आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ऑल न्यू यामाहा R15 वर्जन 4 इन दिस मैजेंटा मेटालिक कलर जो आपको यहां पर देखने को मिलता है, विविड मैजेंटा मेटालिक इस कलर का नाम है। प्राइस जो है 229,000 रुपए है, 220,000 रुपीज। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले जो है यहां पर मैं ओवरऑल आपको बाइक का लुक दिखाया था एक बार वॉक अराउंड के साथ। R15 वर्जन 4 ये जो बाइक है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। एक बार इसका व्हील यहां पर आपको मैं ढंग से दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको जो बाइक देखने को मिलती है, R15 वर्जन 4 इस बाइक का नाम है ऑल टुगेदर। एंड 229,000 रुपीज प्राइस है इस बाइक की। इस बाइक के अंदर आपको जो है व्हील्स विविड मैजेंटा कलर के अंदर देखने को मिलते हैं। रियर व्हील और फ्रंट व्हील दोनों जो है कुछ इस प्रकार से आते हैं। एंड साथ में यहाँ पर जो है आपको पेंट स्कीम के अंदर जो है आपको डार्क मेटालिक आपको जो है ग्रेश ब्लैक फिनिश के साथ R15 का यहाँ पर बैजिंग देखने को मिलती है। वर्जन 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो बाइक है इसके अंदर क्विक शिफ्टर भी आता है, मतलब आप बिना क्लच बिना रेस छोड़े आप जो है गियर शिफ्ट अप कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर लगा हुआ है क्विक शिफ्टर। साथ में यहाँ पर इस बाइक के अंदर और क्या क्या आता है हम बात कर लेते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, E20 पेट्रोल की बैजिंग आती है, लेटेस्ट बाइक है ये। इस बाइक के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, राइडिंग मोड्स आते हैं। साथ में यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर जो है आप प्रॉपर डिस्प्ले पे आप सब कुछ देख सकते हो। एंड यहाँ पर हम बात करें तो ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर बाइक के अंदर देखने को मिलता है। एट द लेफ्ट विद द हाई बीम लो बीम पास इंडिकेटर हॉर्न बटन, राइट साइड में किल स्विच इग्निशन स्विच आता है, हैजार्ड लाइट ऑप्शन आता है। एंड यहाँ पर जो है आपको साइड डाउन सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं R15 की यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिलती है। जो व्हील्स हैं आपको थोड़े अलग टाइप के कलर के अंदर देखने को मिलते हैं। मेरे हिसाब से ये जो बाइक है ये गर्ल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, बिकॉज ये कलर जो है बहुत ही ज़्यादा उनको शायद से पसंद आएगा। यहाँ पर जो इंडिकेटर्स आपको बल्ब ही देखने को मिलते हैं। 155 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, 18 पीएस ऑफ पावर, 14 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। साथ में जो है स्प्लिट सीट आपको देखने को मिलती है यहाँ पर बाइक के अंदर। VVA आता है विच इज वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन, जो कि 7000 RPM के ऊपर काम करता है। साथ में यहाँ पर R15 की ब्रांडिंग आती है। ओवरऑल कुछ इस प्रकार से फ्यूल लेड आती है यहाँ पर बाइक के अंदर। एंड जो बाइक है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। दिस इज हाउ दिस R15 वर्जन 4 लुक्स लाइक। बिल्कुल ब्रांड न्यू लेटेस्ट कलर है, जो मेटालिक रेड है उसके बाद ये वाला कलर लॉन्च हुआ था। एंड कुछ इस प्रकार से ओवरऑल आपको जो है मतलब टॉप लुक देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें साइड के बारे में तो मेजेंटा कलर की यहाँ पर आपको जो है ग्राफिक्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। एंड पूरी एक फेयर्ड बाइक है यहाँ पर ऑल टुगेदर मैं बात करूँ। साथ में यहाँ पर जो है आपको मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलते हैं। डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप आते हैं, पीछे निसिन के आते हैं। एंड फ्रंट में जो है आपको ओवरऑल यहाँ पर बाइब्रेक कैलिपर्स देखने को मिलते हैं। डुअल चैन लीबिस ब्रेकिंग सिस्टम आता है। जो सस्पेंशन सिस्टम है वो काफ़ी डिसेंट परफॉर्म करते हैं अगर अपसाइड डाउन के बारे में बात करें। एंड द इंजन इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, आराम से आपको 40-45 किलोमीटर पर लीटर का बाइक माइलेज देती है। टॉप स्पीड आराम से आपको 130 किलोमीटर पर आवर प्लस देखने को मिलती है, जो कि बहुत काबिले तारीफ है। एंड ऑल टुगेदर रियर में यहाँ पर आपको LED टेल लाइट बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। बल्ब की जगह आप LED लगवा सकते हो एज एन एक्सेसरी। साथ में यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स आते हैं, नंबर प्लेट सेक्शन आता है, नंबर प्लेट लाइट आती है। एंड कुछ इस प्रकार से जो है ओवरऑल आपको बाइक का लुक बाइक का फील देखने को मिलता है। साथ में अगर मैं बताऊँ आपको तो रियर साइड में आपको जो है कुछ इस प्रकार से एग्जॉस्ट सेटअप देखने को मिलता है। सीट में कंफर्ट जो है वो काफ़ी डिसेंट आपको राइडर का देखने को मिलता है। पिलियन का ठीक ठीक है। मेजरली जो बाइक है वो बिल्कुल सेम है पहले से। अगर मैं कंपेयर करूँ जो यहाँ पर डिफरेंस है वो है मेजरली कलर स्कीम के अंदर, पेंट स्कीम के अंदर। एंड दिस इज R15 वर्जन 4 R15 M। और इसमें क्या डिफरेंस है, R15 M यहाँ पर खड़ी है। R15 M के अंदर आपको जो है अलग टाइप का डिस्प्ले देखने को मिलता है। जो डिस्प्ले है एक प्रॉपर GP इंस्पायर्ड डिस्प्ले आता है। साथ में यहाँ पर आपको शॉक्स जो अपसाइड डाउन शॉक सस्पेंशन सेटअप है फ्रंट में, वो आपको गोल्डन फिनिश के साथ देखने को मिलता है। एंड R15 M का जो पेंट स्कीम है वो बहुत डिफरेंट आता है। सो मेजरली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है R15 M और R15 वर्जन 4 जिसमें क्विक शिफ्टर आता है उसके बीच में, बट लुक के अंदर मेजर डिफरेंस है। एंड साथ में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर मेजर डिफरेंस है। सो ये भी खड़ी है R15 वर्जन 4, इसके अंदर भी जो है क्विक शिफ्टर आपको देखने को मिलता है। बाकी R15 M के अंदर भी आपको यहाँ पर क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है। एंड जो ये ऑल न्यू बाइक है, ऑल न्यू कलर है द विविड मैजेंटा मेटालिक, इसके अंदर भी जो है आपको कुछ इस प्रकार से क्विक शिफ्टर के साथ ये बाइक देखने को मिलती है। बाकी इसका जो विविड रेड है, जो मेटालिक रेड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेटालिक रेड ये खड़ा है, मेटालिक रेड जो है इस कलर का आता है, कुछ इस प्रकार का आता है। बहुत डिफरेंट कलर देखने को मिलता है, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। ये जो रेड कलर है ना बहुत प्रीमियम है, लिटरली रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। एंड दिस इज़ द ब्लैक कलर जो डार्क नाइट एडिशन आता है साथ में गोल्डन अलॉय व्हील्स के साथ। फिर ये खड़ी है अगेन मैजेंटा मेटालिक विविड। सो दिस इज़ द R15 वर्जन 4 कलर लाइनअप। ब्लू कलर मैंने आपको दिखाया था, चार कलर में आती है, ब्लू कलर, ब्लैक, मेटालिक रेड एंड ये अभी नया
कलर आया है मेजेंटा वाला। सो आपको कैसी लगती है R15 वर्जन 4 कमेंट सेक्शन में बताएगा, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, डू फॉलो मी इंस्टाग्राम, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय बाय।